पास सुल्ताना की मेहंदी है। उनके कुछ कहने से पहले ही उनका हर हुक्म पूरा होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें मेहंदी लगेगी और उनके होने वाले सुल्तान के साथ हर वक्त तुम में से कोई ना कोई रहेगा, समझ गए? ये लो, हमारे सुल्तान आ गए। अदाया मुझे पसंद करने लगी है और मुल्क के खातिर ना चाहते हुए भी मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। उसे बातों बातों में पता करना होगा कि आतिश आफ्ताब कहाँ है। बस मच्छड़ी हमेशा की तरह नाक पे गुस्सा चढ़ा के ना है। वैसे वो है कहाँ? करोड़ों में एक जोड़ी बनाई है। किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया दाईजान। ये हमारी दाईजान है, बचपन से हमारे साथ है। अगर हम किसी की सुनते हैं तो सिर्फ इनकी। आदाब। मिश्र के रस्म के मुताबिक सुल्ताना के हाथों में मेहंदी उनके होने वाले शौहर ही लगाएंगे। ये तो होने से रहा दाईजान। अलादीन और उसके नाम की मेहंदी दोनों पर सिर्फ हमारा हक है। बेटे की तुम अब मेहंदी वाला भी बनना पड़ेगा। वैसे आप सुल्ताना से कितनी मोहब्बत करते हैं? जी हाय, घबराए मत। मेहंदी के रंग से पता चलता है कि दूल्हा अपनी दुल्हन से कितनी मोहब्बत करता है। जितनी ज्यादा मोहब्बत उतना गहरा मेहंदी का रंग। मेहंदी का रंग कितना गहरा है, ये मोहब्बत नहीं। मेहंदी लगने वाले का मिजाज तय करता है। जितना अच्छा मिजाज उतना ही गहरा मेहंदी का रंग। यानी आपकी मेहंदी तो ठीक ही रचेगी।
खाला रोज बादाम खाती है क्या? इसे कल का किस्सा अब तक याद है जो हमें देखकर शोर मचाने लगी? हाय, आप बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। आपसे बात करने में मजा आएगा। आइए आइए। शुक्र है कि नकचुड़ी को ले गई, नहीं तो वो अदाय को कच्चा चबा जाती। मंजिल तक पहुंचने का यही मौका है। लीजिए शुरू कीजिए। मेहंदी का समय निकलता जा रहा है, जल्दी कीजिए। मेहंदी तो हम नहीं लगने देंगे। हमारे सबसे अच्छे दोस्त का निकाह होने वाला है और हम बहुत खुश हैं। वो तो दिख रहा है। इसलिए अपनी खुशी का इजहार हम अपने खास अंदाज में करना चाहते हैं। नकचड़ी का खास अंदाज? ये अदाया तो गई। ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए। देखिए देखिए, आप जरा बाहर इंतजार कीजिए, हम कुछ सामान लेकर बस अभी हाजिर होते हैं। आए। अगर बाहर इंतजार करेंगे तो आपकी मदद कौन करेगा? चलिए बताइए क्या काम। नाम? हमारा नाम फिरदौस अल नवाज है। बखूब बखूब, बिल्कुल सुल्तानों जैसा नाम। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। दुरुस्त कहा आपने। अरे क्या कर रहे हैं, लाइए हम आपका हाथ बटाते हैं, लाइए। अच्छा, आप किसी आतिशबाजी का जिक्र कर रहे थे। आतिश आफताब, दुनिया की इकलौती ऐसी चीज जिसके जरिए आसमान के सूरज से दुआ की जा सकती है और उसमें दुआ कबूल हो जाती है। माफ कीजिए, इससे ज्यादा हम आपको नहीं बता सकते। बता भी दीजिए मामू जान। सता तो आप हमें रहे हैं, इतना सारा काम पड़ा हुआ है और आप है कि सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। आप बताएंगे या नहीं? देखिए, हमें बहुत सारे काम करने हैं। उधर मेहंदी की रस्म शुरू हो रही होगी, हम चलते हैं। लगता है ऐसे मानेगा नहीं। ऐसे भी वक्त बात कम है, शराब किचन को बुलाना ही पड़ेगा। देखो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बर्फीले तूफान की वजह से बगदाद में कोई दाखिल नहीं हो पा रहा है। पड़ोसी मुल्कों से अनाज और सब्जियां आना बिल्कुल बंद हो गया है। भुखमरी की नौबत आ गई है। और जब ऐसी दिक्कत आती है, आवाम को दिक्कत होती है, तो ये महल का फर्ज बनता है अपनी आवाम को राशन पानी मुहैया कराना। इसलिए महल का शाही गोदाम खुलवा दिया गया है ताकि कोई भी आके राशन पानी ले सके। और अगर किसी की भी तबीयत खराब है, नासाज है, तो उसके लिए शाही रसोई से खाना मुहैया कराया जाएगा। कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ, हम आपके साथ हैं। अरे जोश दिखाइए, क्या आप मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। आपको क्या हो रहा है जुनैद जी? ये कमीने का बच्चा हमेशा मुझे गलत वक्त पे बुला लेता है, लेकिन मैं उन सबके सामने अगर गायब हो गया तो कसम हो जाएगा। लगता है सफर जिन्हों को बुला रहा है,
इससे पहले ये सबके सामने गायब हो जाए मुझे कुछ करना होगा। जुनैद जी मुझे आपसे काम है, जरा आइए। जी 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 सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल। आका, आपने मुझे बुलाया? उस आदमी को फौरन जमा दो। लेकिन वो है कौन? उससे तुम्हें क्या लेना देना? ओ, यहाँ के सुल्ताना के मामू हैं। सुल्ताना के मामू? आपने मामा नहीं, मामू जान दी है। और मैं पहली मर्तबा में किसी को जमाता नहीं। मेरा विजन हमारे हुक्म की तामील की जाए। जो हुक्म मेरे आका, वक्त यहीं थम जाए, मामू जान जम जाए। अरे ये बेहतरीन बेहतरीन हो गया तो ये बताइए यहाँ चल क्या रहा है? और आपको आतिश आफ्ताब मिला? शहजादी अली साहब कहाँ हैं? बताते हैं। हमारे सुल्तान आ गए, सुल्तान जिंदाबाद। सुल्तान आए, मिस्र ने ये फैसला किया था जो भी नौजवान सबसे पहले इस दरबार में कदम रखेगा वही उनके शौहर होंगे और वही सुल्तान मिस्र होंगे। आपने हमारा दिल जीत लिया है। क्या आप हमारे शौहर यानी सुल्तान मिस्र बनने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आज मेहंदी की रस्म है लेकिन हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें मतलब है तो सिर्फ सुल्ताना के मामू से। क्यों? क्योंकि ये हमें आतिश आफ्ताब के बारे में बता सकते हैं। हमेशा वाले भाई का निकाह होने वाला है, वो मिस्र का सुल्तान बनने वाला है। आफ्ताब के करीब ले जा सकता है पर नक्चड़ी से दूर भी। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है।
अलादीन के हाथों से मेहंदी पहले हमारे हथेली में लगी। हमारी मोहब्बत हमारे साथ है, किस्मत को भी हमारा साथ देना ही होगा इंशाल्लाह। बुलबुले क्या हो गया, तुम भी मामों की तरह जम गए? मैं तो पिघला हूँ, मेरा मतलब मैं नहीं जमाऊँ। ठीक है, फिर ऐसा कुछ जादू करो कि ये हमारी हर एक बात मानने पर राजी हो जाए और हमारे हर सवाल का सच सच जवाब दे। जरूर कमीना आतिश आफताब के बारे में पूछना चाहता है, जो मेरी भाई और शहजादी की भी मंजिल है। ये हुक्म चुपचाप मान लेने में बगदाद का फायदा है। जो हुक्म मेरे आका। अपने सारे राज खोलिए मामू जान, सच बोलिए। एक बार जांच तो लें कि जादू चला है कि नहीं। आपका नाम? फिरदौस अल नवाज। आपकी उम्र? 72 साल। हम वक्त कह रहा था कि हम उस हम उम्र लगते हैं। क्योंकि आपकी शक्ल ही बुढ़ों वाली है। हमें आतिश आफताब के बारे में बताओ। आतिश आफताब इतना ताकतवर है कि वो अपनी ताकत से सूरज को बुला भी सकता है और गायब भी कर सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है अगर निकाह वाले दिन आतिश आफताब को बाहर निकाला जाए। इसलिए अली साहब और सुल्ताना अदाया का निकाह 3 दिन बाद नहीं बल्कि कल होगा। मौका देखते ही हम आतिश आफताब को हासिल कर लेंगे और रवाना हो जाएंगे सोन मीनार की तरफ, राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलने के लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं, मतलब जब अब जब निकाह की तारीख तय हो चुकी है 3 दिन बाद की, तो फिर आपकी बकवास कोई क्यों सुनेगा? सही कहा तुम, तुम्हारे कहने पर कोई तारीख क्यों बदलेगा? इसी बुजुर्ग के कहने पर तो बदलेगा। मतलब मामू जान के कहने पर तो बदलेंगे। बुलबुले एक काम करो, तुम मामू पे कोई ऐसा जादू करो कि ये हमारी हर एक बात सुने और हर एक बात करने को राजी हो जाए। इसे हमारे हाथों की कठपुतली बना दो। ये मेरा इस्तेमाल करके मासूम लोगों को अपना शिकार बनाना चाहता है। मेरा चिराग अभी भी इसके पास है, इसके लिए मैं इसकी बात तो मानूंगा, पर जैसा मेरे हमेशा वाले भाई ने कहा था, अपने तरीके से। हल्दी के दाग धुल जाए, मामू जान सब भूल जाए। चिराग के जिन, हमने तुम्हें हुक्म दिया था इसे कठपुतली बनाने के लिए, तुमने इसे आजाद कर दिया। चिराग के जिन, तुमने हमारे हुक्म की तामील नहीं की। ना, ना। मैं नाफरमानी करने वाला जिन नहीं हूं। सुन, चिंगारी दे तू जहां दिखे पटाखे की सुतली, हाजिर हो जाए मामू जान की कठपुतली। इसका क्या अचार डालें? अचार डालेंगे तो उसमें जायका कहां आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सुल्ताना के मामू जान से आप जो भी कहें वो हो जाए, तो आप इनके कान में कुछ भी कहेंगे हो जाएगा।
मामू तो हमारे हाथों में आ चुके हैं, अब जल्द ही आतिश आफ्ताब को भी हम हासिल कर लें।